हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, वाओ, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते विवेक जी, नमस्ते खान सर। अच्छा लग रहा है, वाओ, आप लोगों से मिलकर ना, आप हम मर सकते हैं। वाओ, मरो फिर। ये नहीं, कैसी बातें कर रही हो गुड़िया तुम? हम कह रहे हैं हम इंड पे मर सकते हैं। खान सर, आप पटना से हैं ना? हाँ। हमें भी पटना पसंद है। हाँ। बस कोई पटाने वाला चाहिए। नहीं, मजाक नहीं कर रहा है। आपका जो चैनल है, हम दिन में 10 बार आपके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दिन में 10? अरे हाँ, और बेल आइकन तो हम इतने जोर से दबाते हैं कि बाकी यूट्यूब वाले बाहर निकल के देखते हैं कि ये कौन है जिसने इनका चैनल इतना जोर से दबा दिया बेल आइकन। बुढ़िया, तो शर्म नहीं आती है? आते ही फ्लड शुरू कर दिया ना तूने, तो जाते हुए करते हैं क्या? विवेक जी नमस्ते। आपसे एक काम था, छोटा सा कर देंगे आप? ये क्यों करेंगे? नहीं गुरु जी, हमेशा अपने वीडियो में कहते हैं कि विवेक से काम लो, विवेक से काम लो। विवेक मतलब दिमाग से काम लो आप। हाँ, तो विवेक जी अपने दिमाग से ही काम लेंगे, बहुत दिमाग है उनके पास। ये देखिए, जो आदमी आपको मैं बताइए, जो आदमी बिना फिल्म किए कपिल शर्मा शो में आ गया, कितना दिमाग होगा उसके पास। लेकिन एक बात है जिसकी वजह से मैं आप तीनों से नाराज हूँ। क्यों, क्या बात? हर चीज में मोटिवेट 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 क्या होता है? सच कह रहा है, जब भी ये शब्द सुनते हैं हमें लगता है कोई हमें चिढ़ा रहा है। बदल दीजिए ना, खाली मोटिवेट बोलना ही क्यों जरूरी है, कुछ और कीजिए। रोटी वेट, छोटी वेट, पतली वेट, कुछ भी बोलिए, मोटिवेट हटाइए। तो गुड़िया तू भी एक्सरसाइज किया कर ना, देख डॉक्टर साहब ने कितना वजन कम किया है, तू भी कर ले। ठीक है, फिर मोटिवेट से ही चला लेंगे। लेकिन मोटिवेशन कोई बुरा बात नहीं है, हमारे दादाजी भी वैसे बहुत मोटिवेट करते थे। हाँ, एक बार तो तालाब में डूब रहे थे हमारे दादाजी। हाँ। हमारे पास रस्सी भी था, ट्यूब भी था, फिर भी हम अपने दादाजी को बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हमने उनकी ओर तिनका फेंका ना, वही कहते थे डूबते को तिनका का सहारा काफी। नहीं लगा सहारा दादाजी, बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़बुड़। गुड़िया तू क्या करने आई इधर? अरे हाँ, हम क्या करने आए हैं, एक पूछना था सर, खान सर, ये जो हमारा एक चाचा का लड़का है, उसको क्या है, थोड़ा पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है, तो 12वीं का पढ़ाई आप उसको अच्छी तरह करवा के, 12वीं पास करवा देंगे आप? करवा देंगे, वेरी गुड, बात कर लेते हैं। हाँ, राम सरोवर, देखो हमारा बात हो गया है, ये 10वीं जो तुमसे नहीं दिया जा रहा है ना, वो नहीं देना है। टेंशन नहीं है, 10वीं का खान सर से बात हुआ, ये सीधा 12वीं पढ़ा के पास कर देंगे। अरे ऐसे नहीं होता, पहले 10वीं पास करनी पड़ेगी फिर 12वीं होगी ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस। क्यों? हमारे मौसा जी थे। हाँ। उनसे ना 10वीं हुई ना 12वीं हुई। हाँ। अभी 3 दिन पहले सीधा उनकी 13वीं हुई। एक्चुअली क्या है, पढ़ाई लिखाई का हमको बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं, गाँव में पढ़े हैं ना सर, स्कूल कहाँ होते थे अर्चना जी, गांव में स्कूल नहीं था। हुँ. पेड़ के नीचे पढ़ते थे हम। हुँ. यहाँ तक कि हमारे पास ब्लैक बोर्ड भी नहीं था, हमारे मोहल्ले की जो भैंसिया थी उसको खड़ा करके टीचर उसके ऊपर लिख के पढ़ाती थी। मजाक नहीं कर रहे हैं, और आप तो समझ रहे हैं, अभी ब्लैक बोर्ड की एक अटैच डस्टर था ब्लैक बोर्ड का, समझ रहे हैं, ऐसा वो पीछे से आता था, लिखा हुआ मिटाता था और चला जाता था। ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार क्या हुआ, हमारा स्कूल शुरू हुआ, शुरू होते ही 2 महीने के लिए छुट्टियां हो गई। क्यों? ब्लैक बोर्ड ने बछड़ा दिया था ना। वैसे आप लोग ना इतने ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं, आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछे। एक बार ना चार दोस्त थे, साम दाम दंड भेद। अच्छा। वो डिसाइड करते हैं कि चलो एक गेम खेलते हैं, तो टीम्स बनाते हैं, तो साम दाम ने एक टीम बनाया। इस पे भेद को बहुत गुस्सा आया, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि भेद को दंड मिला ना। ये सिर्फ हस्ती नहीं है सर, थोड़ा सा पेट्रोल पिला दो स्टार्ट भी हो जाती है। इतना है क्यों, और भी बता दीजिए, जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास नहीं मैकेनिक के पास जाते हैं, और डिटेल दे दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है सर, ये बोलते हैं खाली। लेकिन अभी एक रिक्वेस्ट था सर, हमारा एक भाई है, पुरुषोत्तम नाम है उसका, गांव से आया हुआ है,
आप लोग थोड़ा उससे सब बातचीत करेंगे, थोड़ा उसको प्रोत्साहन देंगे। और शर्मा जी आपसे भी एक रिक्वेस्ट था, आपसे हमने कभी कुछ मांगा नहीं है, पुरुषोत्तम आएगा ना एक बार बस उससे कह दीजिएगा पुरुषोत्तम तुम कितने हैंडसम हो। मैंने देखा ही नहीं अभी तक। हाँ तो देख के बस बोल दीजिएगा तुम कितने हैंडसम हो, ऐसा बोल दीजिएगा प्लीज। ठीक है हम बुला लेते हैं पुरुषोत्तम। तेरा भाई बड़ा हैंडसम है। आई तो हमारे खानदान में सब हैंडसम है, ज्यादा चापलूसी करने का जरूरत नहीं है। देखा हमारा यहाँ पे कितना चलता है। एक नंबर दीदी, एक नंबर। सब लोग हैं, नमस्ते कर दो। ये बड़ा अच्छा लड़का है, गांव में ना भैंस चराता है, इसको थोड़ा मोटिवेट कीजिए ना। नहीं तो मतलब भैंस चराता है तो मोटिवेट करके क्या होगा, शेर चराएगा बाद में। अरे शेर चराएगा तो शेर इसको चर नहीं जाएगा। नहीं नहीं ऐसे हम खाली कह रहे हैं, तुम्हारा चेहरा थोड़ा बकरी जैसा है ना, तो वैसे ये सब बड़े बड़े लोग हैं, इनको बताओ कहा क्या बनना चाहते हो जीवन में आगे। एचआर। अरे वाह, देखे कोई बड़ा कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स का काम करेगा ये। अरे एचआर मतलब दीदी ऋतिक रोशन, टिनी दिन दिन टिनी दिन दिन। ना जूता पहनने का काम किया करो, जूता खाने का नहीं। काम किया है, कुछ बड़ा किया है लाइफ में? किया ना दीदी, एक बकरी के बच्चे को बड़ा किया है। क्या जिराफ बना दिया बकरी के बच्चे को? अरे कुछ अलग किया है। हाँ दीदी अलग किया है, वही बकरी का बच्चा भैंस का दूध पीने जा रहा तो हमने उसको अलग किया है। इससे नहीं होगा, मैं रहने दो, इधर आओ, ये देखो इतना बड़ा बड़ा लोग बैठा है, इनके सामने ऐसा बातें करोगे, इनसे मिलो इनसे मिलो। ए विवेक जी तो कितना मार्केट के बारे में भी जानते हैं, मार्केट का कोई सवाल पूछो इनसे। सर परसों जो है मार्केट में हमारी साइकिल गायब हो गई, आपने देखा है क्या? हमारी साइकिल गायब हुई ना। हाँ। इसलिए दिमाग से पैदल हो तुम, पैदल समझते हो। हाँ। चल लोगे? हाँ। 20 कदम चलोगे? हाँ। हाँ, घूमो जरा, अभी 20 कदम चल के दिखाओ, निकला। सॉरी माफी चाहेंगे, चलिए चलते हैं, नमस्ते। तो गुरुजी, डॉक्टर साहब, खान सर, आज हमारे जो मेहमान यहाँ पे आए हैं इनके कुछ सवाल हैं, तो ये आपसे पूछना चाहेंगे अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी जी, आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी मैडम। नमस्ते कपिल सर। नमस्ते मैम। आज आपका शो देख के बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम मैं शो पर आई हूँ, लेकिन रियली जो मैंने यहाँ अनुभव प्राप्त किया है वास्तव में कहीं नहीं किया। अरे शुक्रिया शुक्रिया। कहाँ से हैं मैम आप? मैं खारघर से आई हूँ, नवी मुंबई। अच्छा जी। और मेरा नाम कविता अग्रवाल है। मेरा प्रश्न गोपाल सर से है। मेरे घर में कोई समस्या नहीं है, मेरे बेटे की अभी शादी हुई है और मेरा बेटा भी प्यारा है, लेकिन उसके साथ उसकी दुल्हन भी बहुत प्यारी आई है, लेकिन समस्या और लोगों को है। वो जब मेरे जानने वाले हैं बार बार पूछते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं समझ नहीं पाती, वो इंटरेस्टेड रहती हैं कि कुछ हो रहा है क्या घर के अंदर। नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक चल रहा है। इसका जवाब मैं लोगों को कैसे दूँ ये नहीं समझ आ रहा मुझे। वही चार लोग हैं गुरुजी। इंग्लिश में एक वर्ड है जिसको कहते हैं डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी का मतलब होता है अपनी जिंदगी जीना, और दूसरों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं तो उसमें कई ऐसी चीजें होती है कि दुनिया को हमको सब कुछ अपने जीवन के बताने की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत, उनको बताना ठीक ठाक है, लेकिन अगर सबको हमारे जीवन के बारे में बताने लगेंगे तो जीवन कैसे चलेगा। तो अगर कोई बोले आपके घर में समस्या है, नहीं है, कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बस ये डिप्लोमेटिक आंसर्स हुए। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जिसके साथ हमारा रिश्ता बड़ा गहरा हो, उनके साथ तो हम अपने दिल की बात खोल के करेंगे ना। और इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जो सुख में हमारा साथ देते हैं ना वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में हमारा साथ देते हैं ना वो फरिश्ते होते हैं। हाय हाय, किस दिन गलत बोल देना आप। अच्छा। बोलना बड़े झगड़े चल रहे, तलवारें चली कल। फिर देखना क्या मजे लेते हैं, फिर देखना उनका रिएक्शन क्या है। धन्यवाद मैम शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो एवरीवन। हेलो कपिल। हेलो सर। मेरा नाम अमित शाह है और मैं सिएटल यूएसए से आया हूँ जस्ट आपके शो के लिए। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है शाह साहब आपका। मैं और मेरी वाइफ गुरुजी के वीडियोस बहुत फॉलो करते हैं। अच्छा जी। और गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आदमी ने झुक के रहना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। तो सिचुएशन ऐसी है कि गलती मैं करता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ,
गलती मेरी वाइफ करती है, फिर भी मैं ही माफी मांगता हूँ। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपकी जो सीख है कि माफी मांगते रहना चाहिए, वो सिर्फ पतियों के लिए है या पत्नियों को भी लागू पड़ती है? बिकॉज उन्होंने, इसने तो आज तक माफी नहीं मांगी मुझसे। आज इस एपिसोड के बाद घर जाके आपको फिर मांगनी पड़ेगी। एक और ऐड होगी आपकी। मैं कई बार कहता हूँ कि अ मैन हु सेज सॉरी व्हेन ही इज रॉन्ग इज ऑनेस्ट, अ मैन हु सेज सॉरी व्हेन ही इज नॉट श्योर इज वाइज, and a man who says sorry even when he's right is called a husband. Lekin jokes apart, main kai baar kehta hu is baat ko, rishte jhukne se yadi aapke rishte sudhar jate hain to jhuk jao. Kya baat hai, bahut achhi baat hai. Jhukne se agar aapke rishte sudhar jate hain to jhuk jao, lekin baar baar aap hi ko jhukna pade to ruk jao. Now, sorry बोलना, apology, माफी मांगना, ये सब के लिए applicable है। इसलिए कई बार कहते हैं कि मैंने कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी को आसान कर लिया, कभी किसी से माफी मांग ली और कभी किसी को माफ कर दिया। वाह, शुक्रिया शुभ आने के लिए, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। माय नेम इज राजेश तिवारी, सेम कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मेरे गुरु भी यहीं पर है। मेरा गुरु जी से सवाल है सर, समस्या ये है कि सर जब मैं घर आता हूँ ऑफिस से थक हार के, सेल्स वाले प्रोफाइल पे हम लोग, अच्छा, तो जब घर पहुँचते हैं तो वाइफ का कभी कभी मुंह है ना सूजा हुआ दिखता है। सूजा गुब्बारे जैसा मुंह क्या हो गया? तो पूछ लेता हूँ, भाई क्या हुआ है आपको? तो वाइफ कहती है कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। अब मैं सोच में पड़ जाता हूँ, अब क्या करूँ? फिर 5 मिनट के बाद फिर से जाता हूँ, पूछता हूँ भाई क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? तो बोलती है कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। तो ये सर समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम नहीं पूछूंगा तो भी प्रॉब्लम है। आप समझना चाहते हैं? हाँ। तो समझ जाइए फिर कि आप कभी नहीं समझोगे। ऐसा नहीं। हेलो हेलो कपिल सर, आप ही हैं वो जिनके बारे में ये बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। आज फिर सूझेगा मुंह देखना आप। सर आज भी इनका अफेयर कम नहीं हुआ है। अफेयर के बाद घर में इतनी रौनक आ जाती है, परफ्यूम सॉन्ग चेंज हो जाता है सब। अफेयर के बाद? हाँ। कौन से अफेयर के बाद? सर इनका अफेयर होता है बिजनेस के साथ। मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट अफेयर है, ये कहती है कुछ और अफेयर है। ओहो, आपका आपसी मसला है, हमको नहीं पता। इसमें तो सारे डर रहे कहीं हमसे ना पूछ ले। हम नहीं जवाब देंगे इस सवाल। इसमें तो गुरुजी भी इधर उधर देखने लग गए कहीं ये सवाल हमसे ना पूछ ले, बिंद्रा साहब इधर देखने लग गए। मेरा गुरुजी से सवाल है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। पहले कई बार ऐसा हुआ करता था, मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ पहले माहौल। जी जी जी। मुझे तो खुद के माइंड को हल्का करना पड़ेगा पहले। पहले ना जब लड़के किसी को प्रपोज करते थे तो बड़ी ऐसी स्पिरिचुअल भाषा में प्रपोज किया करते थे कि वो लड़की को, लड़का कहेगा मैं शरीर हूँ तू मेरी आत्मा है, ऐसा टाइप का एकदम स्पिरिचुअल सेंटी टाइप। अभी 2023 में डायलॉग बदल गया है, वो कहता है मैं स्मार्टफोन हूँ तो मेरी सिम कार्ड है। और लड़की कहती है मेरी ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है कि तेरा स्मार्टफोन ड्यूअल सिम कार्ड वाला नहीं हो। सर गॉट द आंसर। तो आपको जवाब तो मिल गया होगा इस सवाल का। लेकिन एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए जी, कि रिश्तों में कई बार गलत फहमियां बहुत हो जाती है। क्योंकि भारत में मैंने देखा हमारे रिश्तों में ना हम दूसरों की बातें सोचते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ मिलके बैठ के समझौता नहीं करते, समझ नहीं पाते एक दूसरे से। और उन गलत फहमियों से निकलने के लिए बैठ के बात करने की जरूरत होती है। सर आपने जो भी कहा है एकदम सही कहा है, हमारी शादी को 20 साल हो गए ऑलमोस्ट। हाँ। और जब प्रॉब्लम्स होती है तो ये समझ के ले लेती है बहुत बार, तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है, कभी मैं समझ के लेता हूँ तो आगे, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, तो इसी तरह चलते रहता है। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, चल रहा है ना, बीच भी निकल गए आगे भी निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए, शुक्रिया। दोस्तों आज हमारे साथ एशिया की पहली फादर डॉटर की ऐसी जोड़ी मौजूद है जिन्होंने वर्ल्ड की 7 सबसे ऊंची चोटियों के शिखर तक पहुंचने का रिकॉर्ड बना के भारत का नाम रोशन किया है। आप सबकी तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा पद्मश्री अजीत बजाज साहब और उनकी सुपुत्री दिया बजाज।
हेलो दिया, वेलकम वेलकम। बजाज सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है सर, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और बताइए सर अपने बारे में कि कैसे शुरुआत हुई। व्हेन आई गॉट इनटू एडवेंचर आई वाज ब्लेस्ड। द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी इन माय लाइफ वाज माय टू डॉटर्स। दे आर बोथ हियर विद मी, दिया एंड मेघना, एंड ऑल्सो माई वाइफ। अभी आप बहुत कुछ कह रहे थे, और अगर मैंने वाइफ का नाम नहीं लिया तो घर तो जाना है सर। पहाड़ तो चढ़ गए, घर की सीढ़ियां कैसे चढ़ोगे? देखिए, एज पेरेंट्स वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवर चिल्ड्रन टू वेरियस डाइवर्स फील्ड्स। क्योंकि मैं एडवेंचर में था, मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ स्कीइंग जाती हैं, हम स्कूबा डाइविंग करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं। दिया इज इनटू एक्सट्रीम एडवेंचर, एवरेस्ट चढ़कर तिरंगा फहराकर बहुत खुशी हुई। क्या बात है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यू नो एवरेस्ट जब हम चढ़े, एक फादर डॉटर टीम, हम इसलिए चढ़ रहे थे क्योंकि हमारा एक मैसेज था हमारी पूरी देश के लिए कि हम बेटियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू दिया, सो प्राउड ऑफ यू गर्ल। थैंक यू, थैंक यू। एक बार जोरदार ताले हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। गुरुजी, डॉक्टर साहब, खान सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए यार। और इतनी मज़ेदार बातें और इतनी ज्ञान की बातें सुनने को मिली। आई एम श्योर बहुत सारी बातें जो हम कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में वो अप्लाई कर सकें और खूबसूरत बनाएं उसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शो में आने के लिए। और आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।